इंटरनेट की दुनिया में आपने मैलवेयर एंड वायरस का नाम जरूर सुना होगा, बट आपने कभी सोचा ये क्या दोनों अलग अलग हैं और कौन सा ज्यादा खतरनाक है? ये भी एक चीज बता दूं कि आपका जो डिवाइस के लिए यही जो वायरस होती है या जो मैलवेयर होती है ये बोल सकते हो कैंसर है। तो आज के इस वीडियो में इस कैंसर को हम लोग कैसे बच सकते हैं और इन दोनों में फर्क क्या है, ये चीजें आती कैसे, हमें पता कैसे लगती है अगर एक दफा आ गया हमारे लैपटॉप कंप्यूटर स्मार्टफोन में। सो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैलवेयर से। मैलवेयर को हम लोग मलेशियस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं और ये एक टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर स्मार्टफोन में आ जाती है और इसकी वजह से जो थर्ड पार्टी पर्सन होता है वो एक्सेस ले सकता है आपकी डिवाइस का। अब देखो ये चीजें होती है इसलिए है क्योंकि हम लोग जाते हैं किसी थर्ड पार्टी प्लेस से कोई भी पायरेटेड एप्लीकेशन वेबसाइट पर या फिर कोई मूवी डाउनलोड करना, गेम्स डाउनलोड करना, और ये चीज आपने ज्यादातर अक्सर किया होगा। अगर आप कभी क्रोन पे जाकर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो या मूवी डाउनलोड करो तो जब डाउनलोड स्टार्ट होता है ना तो वहां पर एक पॉपअप मैसेज लिखकर आता है कि ये जो हार्मफुल हो सकता है आपके डिवाइस के लिए या फिर ये एप्लीकेशन, तो वो वहां पर वो पहले ही शो कर देता है। बट हमें क्या, हमें तो फ्री में मिली भाई, डाउनलोड करो। तो ये चीजें होती है। अब देखो एक मालवेयर आप साइड में रखो, अब बात करते हैं वायरस। वायरस भी एक टाइप का, ये भी एक होता है बट ये एक फाइल के तौर पे होती हैं। तो को कैसे, ये हैकर के द्वारा एक कह सकते हो कोड के थ्रू होता है जो ये फाइल टू फाइल ट्रांसफर होती है। मान लीजिए आपका कोई फाइल है, कोई एप्लीकेशन है और आपको वो कोई आपका इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, एंड उसके अंदर अगर वायरस चला जाता है वो जो फाइल एकदम करप्ट हो जाती है, यानी कि अब उस आप फाइल के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर आपने वो फाइल या एप्लीकेशन किसी के साथ शेयर करा तो उसके अंदर भी वो जो वायरस है चला जाएगा उस डिवाइस के अंदर। अब ये भी कैसे ट्रांसफर होता है, ये भी फाइल टू फाइल, देखो ये पहले आता है जैसे आपने कभी किसी के पेन ड्राइव के थ्रू अगर आपने अपने डिवाइस में एक्सेस करा या फिर कोई फाइल ली तो वो आ जाता है वायरस, तो कुछ इस टाइप का काम करती है। ये दोनों फर्क हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैलवेयर होता है एंड वायरस, क्या दोनों अलग अलग है? देखो आपको दोनों का जो काम करने का तरीका है अलग अलग तो पता लग गया है और दोनों डिफरेंस अलग अलग तो हैं, बट एक चीज आप यहां पर कैच ये है कि मैलवेयर के अंदर जो टाइप्स होते हैं वो वायरस होती है। यानी जो मैलवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे वायरस, ट्रोजन, वर्मवेयर, एड्सवेयर, स्पाईवेयर, ये सारे टाइप्स होते हैं। यानी कि मैलवेयर एक वायरस हो सकता है बट वायरस एक मैलवेयर नहीं हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ है, डिफरेंसेस है। सवाल ये उठता है कि मान लो मैलवेयर या फिर वायरस आता है तो हम लोग उससे बचे कैसे, कि एक दफा ये आ चुका है। सबसे पहली बात कि मान लो अगर ये दोनों आ गया आपके लैपटॉप में तो यानी कि आपके लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस नहीं है, तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करो। देखो दो चीजें मैं यहां पर बोलूंगा, मैं जो पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप अलग से परचेस करो एंटीवायरस एंड देन इंस्टॉल करो, इससे क्या होता है ना कि आपके जो डिवाइस को और स्लो बना देता है एंटीवायरस। अगर आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर पुराना है तब तो भाई अलग से इंस्टॉल कर लो एंटीवायरस, बट जो अगर जो लेटेस्ट आजकल जो लैपटॉप कंप्यूटर आ रही है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ड आता है डिफेंडर के नाम से एंटीवायरस, तो आपको कोई अलग से इंस्टॉल या फिर खरीदने की जरूरत नहीं है एंटीवायरस, तो उसको आप उसके इनेबल कर लो। ओके, मान लो एक दफा आ गया तो हम लोग पता कैसे लगाए। सबसे पहले आपका जो डिवाइस होगा वो स्लो होगा, बैटरी चार्जिंग उसकी जल्दी खत्म होगी, कुछ अनवांटेड चीजें अपने आप होंगी जो आपको पता भी नहीं लगेगा, जो फाइल्स होगी बहुत ही स्लो खुलेंगी, मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कि आपने कोई पासवर्ड वगैरह सेव कर रखा है वो अपने आप रिसेट हो जाएंगे। अगर आपने मान लो कोई आपका कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो लीक भी हो सकती है, अगर कोई आपने बैंक डिटेल वगैरह उसके अंदर सेव किया हो गया है तो भाई सब कुछ लीक हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि अगर मोटा मोटे में देखें तो भाई आपका जो डिवाइस है वो स्लो हो जाएगा, कुछ अपने आप अनवांटेड चीज़ें करने लगेंगी। इससे बचा कैसे जाए, भाई जो क्रोम वगैरह पे है या फिर थर्ड पार्टी प्लेस पे जाकर कोई एप्लीकेशन, मूवी, गेम्स वगैरह डाउनलोड मत करो, जाकर या गेम परचेस कर लो या फिर जाकर OTT प्लेटफॉर्म पे होती हैं जाकर यार वहां से डाउनलोड करके या फिर स्ट्रीम कर लो, देख लो, ये चीज़ें हो गई। अब दूसरी चीज़ और, जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से भी बचना है। देखो कैसे आजकल न्यूज़ भी बहुत आती है कि प्ले स्टोर ने इतनी एप्लीकेशन को रिमूव करा, क्या आपके स्मार्टफोन में ये वाले एप्लीकेशन इंस्टॉल तो नहीं है? जाहिर सी बात कुछ तो बात होती है, वो सारे एप्लीकेशन उसके अंदर वायरसेस होती है, मैलवेयर वगैरह होती हैं, तो वो भी आपको बच के रहना है। जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाओ उसकी रेटिंग देखो, रिव्यू देखो, डाउनलोड्स देखो, क्या वो एप्लीकेशन जो अप टू डेट यानी कि रहता है अपडेट के का वो भेजता रहता है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखो। जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है
उसको हमेशा अप टू डेट रखो, अपने स्मार्टफोन को भी अप टू डेट रखो, अपने लैपटॉप कंप्यूटर को भी अप टू डेट रखो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हो, और ये जो चीज़ें आपको मैंने बताया है जिससे आपको बचना है। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी मेलवेयर वायरस के बारे में। कोई भी डाउट है मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ऐसी वीडियोज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Are you all my personal dreams?